लखपत के खरखौदा में बीजेपी प्रत्याशी पवन खरखौदा ने चुनावी अभियान के तहत दर्जन से ज्यादा गांव में जनसंपर्क अभियान किया। गांव सिसाना पहुंचने पर लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। वहीं पवन खरखौदा ने कहा कि उनके लिए खरखौदा हल्का भगवान समान है और हल्के की जनता की सेवा भगवान की सेवा के समान है। सिसाना गांव का जोरदार समर्थन मिलने पर पवन खरखौदा ने कहा कि गांव में एक तरफ माहौल होने से अब खरखौदा सीट पर कमल का फूल खिलेगा। तो दर्जन से ज्यादा गांव में जनसंपर्क और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील यहां पर की गई। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, पवन खरखौदा की ओर से कहा गया। बीजेपी प्रत्याशी पवन खरखौदा का चुनावी अभियान, जिसमें उनकी ओर से ये बताया गया है कि लोगों की ओर से किस तरह से उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और खरखौदा में कमल खिलेगा, ये दावा भी उन्होंने किया। चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं सभी प्रत्याशी। दर्जन से ज्यादा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है पवन खरखौदा की ओर से, और दर्जनों गांव में जब वो पहुंचे हैं तो वहां पर लोगों का भरपूर समर्थन उनको हासिल हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है उन्हें, पवन खरखौदा की ओर से ये कहा गया है। उनकी ओर से दावा भी किया गया कि खरखौदा में कमल का फूल ही खिलेगा। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं पवन खरखौदा। आपका भाई पवन खरखौदा ये चाहता है कि मेरा पूरा सिसाना गांव एमएलए बने, 36 बिरादरी के लोग एमएलए बने। और भाई आज हमारा हल्का रिजर्व है, आपके बेटे आपके भाई के तो 15 साल खराब हो गए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 2029 में जब हमारा हल्का जर्नल हो तो हमारे जर्नल भाइयों के एक भी दिन खराब नहीं होने चाहिए। बुजुर्गो साथियों, मैं इस संघर्ष में आप लोगों से न्याय मांगने आया हूँ, और जो अपने भाई अपने बेटे के लिए आप पसीना बहा रहे हो, इस पसीने को 5 अक्टूबर तक सूखने नहीं देना है बुजुर्गों और साथियों। और हमारे हल्के का इतिहास भी रहा है कि अपने आदमी की परीक्षा हम ज्यादा लेते हैं, उससे संघर्ष ज्यादा करवाते हैं। तीरथ भाई जी ने भी बोला है कि भाई सुखबीर फरमाना ने 3 चुनाव लड़े, 2 चुनाव हरा के 3रा चुनाव जिताया। कृष्णा गहलावत जी ने 3 चुनाव लड़े, 2 हराकर 3री बार जिताई। पदम ने भी भाई 3 चुनाव लड़े, 2 हरा के 3री बार जिताया। 22 भर्तू के पोते ने भाई, मेरे दादा ने मेरे ख्याल से कि मैंने कि नगौ साड़ा में सेवाएं कर रखी होगी ना, तो भाई इसका फल भी अब की बार 3री बार दे दो। भाई मैं आप लोगों से एक ही विनती और निवेदन करने आया हूँ कि क्या हमारे सिसाना गांव से कोई एमएलए नहीं बन सकता? क्या हमारे 36 बिरादरी के लोगों में कोई एमएलए नहीं बन सकता? 58 गांव हैं और एक शहर है। अरे वोट आपकी, हल्का आपका, अधिकार आपके। बनता है कौन भाई? बॉम्बे से आया हुआ व्यक्ति। तो भाई ये लोकतंत्र का त्योहार 5 साल में एक ही बार आता है, सही और गलत का निर्णय करने का। और ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। और मेरे को काफी लोग मिलते हैं, बोले भाई पवन यो इलेक्शन तेरा को ना, ईवीओ इलेक्शन खरखौदे के मान और सम्मान का है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा सिसाना गांव है, और जहाँ पे पूरा गांव होता है वहाँ पे साक्षात भगवान राम होता है। अगर आप राम बन के अपना चुनाव लड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती बुजुर्गों और साथियों। लेकिन आपका बेटा आपका भाई पवन खरखौदा ये चाहता